तो एक्सेल में क्या होता है कि जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम इक्वल से करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि मुझे 85 के अंदर अगर 20 जोड़ना है, तो अगर आप नॉर्मल टाइप करेंगे तो एक्सेल इसको डेटा समझता है, लेकिन जैसे आपने इक्वल टाइप किया इसका फॉर्मूला मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं माउस पॉइंटर से इस पे क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करते ही यहां देखिए A1 अपने आप आ जा रहा है, हमने प्लस का सिंबल दिया और 20 कर दिया, तो आ गया सर 20। जी। अब मुझे ये चीज सब में चाहिए, तो आपको सब में इक्वल प्रेस करके इस पे क्लिक करके 20 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक सेल में लगा दिया है तो उसको ड्रैग कर सकते हैं, तो जी इस पे कर्सर कीजिए और नीचे की तरफ आप ड्रैग कीजिए, राइट सर। जी जी अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहां 20 हमारा फिक्स है, ठीक है सर, जी लेकिन अगर मैं D1 पे 20 डाल देता हूं तब क्या होगा? तब मुझे यहां इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं सिलेक्ट करके सबको। अब मैं इसमें A1 पे A20 को ऐड करना है, तो A1 को लिया, इसको सिलेक्ट किया, प्लस हमने 20 को सिलेक्ट किया, जी तो यहां पे एड्रेस क्या बना? D1 प्लस A1 प्लस D1। A1 एंटर प्रेस करें। अब जैसे कि मुझे नीचे बाकियों में चाहिए तो क्या होगा? तो नीचे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे यहां पे क्या था? A1 प्लस D1 था, अब यहां पे जी A2 प्लस D2 हो गया। अब A2 जो है वो तो होना चाहिए, पर D2 जो है D1 या D2 नहीं होना चाहिए ना सर, क्योंकि जी यहां पे 20 तो नहीं है, 20 तो फिक्स है हमारा। जी तो इस केस में हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां हम डॉलर का साइन लगाएंगे, लगा दिए D1 के आगे, सर और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब जो होगा, अब A1 में डॉलर साइन नहीं लगा हुआ है, D1 के अंदर लगा हुआ है, राइट सर। जी सर अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे जो A1 है यहां पे, D1, A1, A2 तो हुआ, A3 हुआ, बट D1 आपका फिक्स हो गया। अब गौर यहां पे कीजिए कि मैंने डॉलर साइन सिर्फ नंबर का आगे लगाया, तो नंबर क्या है? रो नंबर है, और ए जो होता है ABCD वो आपका कॉलम नंबर होता है। तो हमने सिर्फ रो नंबर के आगे डॉलर लगाया, तो मैं सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ कर्सर ला सकता हूं, लेफ्ट कर्सर लाऊंगा तो हमारा डॉलर ए नंबर 1 जो है फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट कर्सर को ड्रैग किया या कॉपी पेस्ट किया तो क्या होगा? यहां पे DE बन जाएगा। बन गया सर। जी सर जब आप किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हो तो लेफ्ट राइट अप चारों तरफ से एड्रेस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने कर्सर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें +20 कर देता हूं, तो अभी देख रहे हैं आप B5 दिख रहे हैं, नीचे अगर ड्रैग करते हो तो जाता है B6, सर ऊपर ड्रैग करते हैं तो क्या हो जाता है? B5, B4, D5 सॉरी B5 तो यहां था ही ना, D4 B5 हो गया, D4 B4 हो गया। तो जी सर आपने देखा कि जब मैं यहां से नीचे ड्रैग किया तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज ऊपर ड्रैग तो सर किया तो क्या हुआ? ये सेम वैल्यू है सर, इसलिए सेम है, ये नहीं तो इंक्रीज जी, ऊपर की तरफ किया तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब वैल्यू डिक्रीज का हो गया। मतलब नहीं है, मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट में करूंगा तो जो B है वो C हो जाएगा। हो गया सर, यहां पे देखिए C हो गया, और मैं जी सर राइट में करूंगा तो B जो है वो A हो जाएगा। हो गया सर। ठीक है सर जी तो जब भी हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है? एड्रेस इंक्रीज होता है। जी सर तो
अब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आप ड्रैग कर कहाँ रहे हो। ठीक है सर। जी जी सर, अब यहीं पे आपको अगर लगता है कि कॉलम की साइज इंक्रीज नहीं होनी चाहिए तो आप कॉलम के आगे भी डॉलर लगा दो। तो आपको जिसको रोकना है आगे बढ़ने से उसके सामने डॉलर लगाएंगे। ठीक है सर। जी जी सर, तो इसका यूज समझ में आ गया, इसका यूज क्या है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम डेटा की सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन मेथड तो नहीं पढ़ाया था ना सर। हेलो, हाँ सर, कौन सा? सिलेक्शन मेथड डेटा को सिलेक्ट करना। नहीं नहीं सर, तो आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है। राइट सर। डेटा को क्या करना है, जी सिलेक्ट करना है। तो यहां अगर मैं कंट्रोल कैसे सिलेक्ट करूं, माउस से सिलेक्ट कर सकता हूं। अब सिलेक्शन जरूरी क्यों, बगैर सिलेक्शन का कोई आप काम ही नहीं कर सकते। आपको कॉपी करना है, सिलेक्शन चाहिए, पेस्ट करना है, सिलेक्शन चाहिए, फिल्टर लगाना है, सिलेक्शन चाहिए, पिवट लगाना है, सिलेक्शन चाहिए। आप एक्सेल में कुछ भी करना चाहते हैं तो नीड टू डेटा सिलेक्शन। राइट सर। जी जी सर, अब सिलेक्शन के लिए अब क्या करें कि इस पे क्लिक करके माउस को क्लिक होल्ड रखते हुए अपने कर्सर को मूव करेंगे तो डेटा सिलेक्ट होगा। माउस को होल्ड रखते पहला चीज। तो दूसरा एक चीज और भी कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट की अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की प्रेस कर सबसे लास्ट में क्लिक करें। होता है क्या है कि यहां पे क्लिक है, अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो कर्सर मूव होगा। अभी A1 पे कर्सर है, जब इस पे क्लिक किया तो B3 पे आ गया। आ गया सर। देखिए इसी चीज को शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो कर्सर मूव नहीं करेगा और तो डेटा को सिलेक्ट करेगा। जी है सर, सर। तो शिफ्ट को अगर आप होल्ड रखते हुए क्लिक करते हैं तो एरिया सिलेक्ट होता है। जी अब मैं यहां पे मान लीजिए कि मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से आप Ctrl+A कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ A को दबाइएगा तो ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा एक बार। हालांकि Ctrl+A किसका शॉर्टकट है, तो यह है करेंट रीजन का। होम मेनू बार के अंदर आपको दिखेगा फाइंड एंड सिलेक्ट, इसके अंदर दिखेगा गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल पे आप जब जाते हैं तो यहीं पे दिखेगा करेंट रीजन। इस करेंट रीजन पे क्लिक करें एंड ओके करें, देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब यहां पे जब ठीक Ctrl+A करते हैं तो करंट रीजन को करता है। अब एक बार करें तो पूरा डेटा सिलेक्ट होगा, दो बार करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होगा। ऐसे आपको पूरी शीट सिलेक्ट करना है तो आप वन और ए के ऊपर जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी सर, लेकिन जब Ctrl+A करते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने Ctrl+A किया तो अब देखिए जो मेरा डेटा में एक पूरी की पूरी रो ब्लैंक है। ब्लैंक है सर। जी पूरी की पूरी रो ब्लैंक होने के कारण क्या हुआ कि मेरा डेटा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, जी लेकिन पूरी ब्लैंक होगा तब। एक जगह कहीं भी क्लिक होगा तो Ctrl+A कीजिएगा तो ये आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट। जी सर, अब इसमें एक चीज और आता है कि अगर कॉलम भी आपका अगर पूरी तरह से ब्लैंक है तो Ctrl+A करने पे इस कॉलम ब्लैंक कॉलम के बाद आपका डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने फालतू कुछ डेटा रखे हुए हैं, अब मैं Ctrl+A करता हूं तो मेरा फालतू डेटा भी सिलेक्ट हो जा रहा है। क्योंकि तो करेंट रीजन मतलब जो कंटिन्यूस लेके चलेगा कि इस कॉलम में भी डेटा है, इस कॉलम में भी डेटा है, तो यहां तक सिलेक्ट कर लेगा। अब बात करते हैं कर्सर को मूव करने की बात। जैसे कि आप यहां पे कर्सर रखे हुए हैं, मुझे सबसे नीचे आना है।
फिलहाल तो अभी 9 रो है, लेकिन हो सकता है कि 9,000 हो, 90,000 हो, या 9 लाख हो, मुझे एक बार में सबसे नीचे जाना है। तो जो आप अपने कीबोर्ड के पॉइंटर को एक एक करके नीचे लाएंगे, उससे अच्छा है कि आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करें। ठीक है सर, जी जी सर, कंट्रोल की के साथ डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो, जो आप जो सा एरो प्रेस करोगे, आपका कर्सर एक ही बार में पूरी तरह से इसी तरह से मूव करेगा। ठीक, जी अब इसमें एक चीज और भी है कि आपको आपने कंट्रोल के डाउन किया तो सिर्फ आपका डाउन हुआ, कर्सर मूव हुआ, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट सर? कंट्रोल की के साथ शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो, डाउन तो सिलेक्ट हो गया, राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, ठीक है सर। इससे सिलेक्शन कर सकते हैं। बट इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर बीच में आपका ब्लैंक डेटा हुआ तो फिर आपका ए यहीं तक जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, जी सर, अभी हमारे पास एक और कमांड है कीबोर्ड में, एंड कमांड। ठीक है, अगर आपने कीबोर्ड का देखिएगा, कीबोर्ड में एक एंड बटन, उसको प्रेस करते हैं तो यहां प्रेस करते ही नीचे देखिए यहां पे एंड मोड लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस डेटा के सबसे लास्ट में कर्सर चला जाएगा। अब बोलोगे लास्ट में तो नहीं गया, लास्ट तो एस तक ही है, एस तक क्यों गया? तो एक्सेल इसको भी यूज्ड मांगता है कि सबसे लास्ट यूज्ड सेल। तो हमने इस कॉलम में डेटा डाल रखा है, इसमें भी डेटा डाल रखा है, इसलिए यहां पे जाके रुका। जी सर, होम कीजिएगा तो स्टार्टिंग में आएगा, एंड एंटर कीजिएगा तो लास्ट पे जाएगा, होम जी कीजिएगा तो स्टार्ट में आएगा। जी इसी तरह से कंट्रोल एंड कीजिएगा तो सबसे लास्ट में आ गया, जी और कंट्रोल होम कीजिएगा तो ऊपर, कंट्रोल एंड कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड कंट्रोल होम। जी सर, इसी में शिफ्ट दबा दीजिए, कंट्रोल एंड तो लास्ट डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहां पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट होम किया तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। तो जी जहां सर, पे कर्सर रखोगे, अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट होम किया तो वहां से ऊपर की डेटा को सिलेक्ट कर देगा, राइट सर? अब बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस की, कि मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो मेरे पास यहां मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस रखते हुए अब जहां मर्जी वहां पे क्लिक कर सकते। अब क्लिक करने के बाद इस पे कलर वगैरह फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको कॉपी सर करना, ये कंट्रोल पकड़ के कराए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट? नहीं, कंट्रोल्स ओनली फॉर कंट्रोल, कंट्रोल आपको होल्ड रखा और ठीक है क्लिक सर, कर दिया, जी, ठीक। कंट्रोल को दबाए रखिए। ठीक है, लेकिन यहां इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी अगर करना है तो फिर आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा, मतलब A1 पे रखा, कंट्रोल को प्रेस कीजिए, C1, E1। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, ओके, सीक्वेंस में। इसी में मान लीजिए A से 3 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, और मैं C से 3 को प्रेस किया, तो सेलेक्ट किया, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, क्योंकि इसमें भी 3 और इसमें भी 3, और जी सर, सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर से 3 कर लिया और नीचे यहां 3 कर दिया, अब लगे इस कॉलम में 3, इसमें भी 3 है, तो कॉपी नहीं होगा। ठीक है सर, जी, इस कॉलम में भी 3 जो होना चाहिए उसी के जस्ट सामने होना चाहिए, राइट सर? जी तभी आपका कॉपी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अलग अलग सेल को सेलेक्ट करके कॉपी किए और जब पेस्ट कीजिएगा किसी और सीट पे, पेस्ट पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल वी कर दीजिए, तो क्या होगा, वो पेस्ट इकट्ठा एक साथ होगा बिना किसी गैप का।
ठीक है सर। जी अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब कंट्रोल एन करके एक नई फाइल लेता हूं, उसमें कुछ शीट्स लेता हूं। तो मेरे पास जो है करीब 5 शीट है, 5-6 शीट है ना, मुझे हर शीट के A1 पे जाके डेट लिखना है। तो आप लोग क्या करोगे, वन बाय वन हर शीट पे लिखोगे। यहां एक तरीका है कि आप पहले वाली शीट पे क्लिक करके आ जाओ, शिफ्ट को प्रेस रखो और सबसे लास्ट वाले क्लिक शीट पे क्लिक कर दो। ये क्या होगा, देखिए सारे शीट हाईलाइट हो गए और जी ऊपर सर में आप देखेंगे यहाँ ग्रुप आ जाएगा लिखा हुआ। अब मैं जो भी काम करूंगा वो शीट वन से लेके शीट 3 तक हर एक शीट पे होगा, जी ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया डेट और यहां पे आज का डेट डाल दिया। अब देखिए हर शीट के A1 और B1 पे यहां दिख रहा है सर, जी सेम जी है। सर लेकिन मुझे हर शीट पे नहीं, किसी सिलेक्टेड शीट पे करना है। तो कंट्रोल प्रेस कीजिए, जिस जिस शीट को करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने शीट 1, शीट 6 और शीट 3 ओपन किया। अब मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूं, यहाँ पे टाइम लिखा और इसके लिए हमने यहाँ पे कलर भी कर दिया। अब देखेंगे शीट 4 में टाइम नहीं है, शीट 5 में भी नहीं है, बट शीट 6 में है, शीट 3 में है, ठीक है। समझे सर, जी जी सर ये थी हमारी